यहाँ पर जो है तैयारियाँ पकड़ी हुई हैं। आप, मैं तो कह रही हूँ आप किचन में आ जाएं और बताएं, क्योंकि जब तक आप ही बताएंगे ना तो अच्छा। पता कैसे चलेगा। और इसमें क्या कि पहले इंग्रेडिएंट्स हम बताएंगे नाज़रीन। हकीम साहब आ जाइए, जो हकीम साहब हमारे दरम्यान आगे कुछ कमी हो जाएगी, क्योंकि हकीम साहब की डिश है ना हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इस साइड आ जाए जी, इसमें पहले चीज़ें क्या क्या डालेंगी, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना पहले घी डलेगा। ओके, पहले नहीं, अभी रुके, पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं उसके बाद डालेंगे। देखिए ये तो नाज़रीन ये मेथी दाना, ओके, कलौंजी, ओके, और इसमें सौंफ, ओके, और धनिया है, साबुत धनिया, ओके, ठीक है। इसको रात को भिगो दिया है, ठीक है। और ये अभी इसमें से पानी से निकालेंगे हम, इसको घी में डालेंगे, और ये जैसे घी में जाएगा इसमें खौलते भी घी में तो ये फूल जाएगी, ये मेथी जो है ये फूल जाएगा, ओके, डन है। और जैसे ये थोड़ी सी हल्की हल्की ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर चावल, ओके, और पानी डलेगा, फिर उसके बाद जो है ये आपके गरम मसाला डल जाएगा, ओके, अच्छा यानी कि आपके मैं जहाँ तक अभी थोड़ा खिचड़ी का एक सिचुएशन है, पहले हमने डाला ऑयल, ठीक है, और उसके बाद ये गरम मसाला, ये सब चीजें डाल के लाइट सब ये डाल देंगे, दम के वक्त ये भी डलेगा, हरी मिर्ची डल जाएंगी दम के वक्त में, अच्छा। और इसके साथ भगार जो देंगी ना, देखिए भगार भी तो चलेगा ना, ये हल्का सा, ये मेरे घर में बिस्मिल्लाह हमने ऑयल डाल दिया है नाज़रीन। और सबसे पहले मेरी बहन जो है ये जी लहसुन बिल्कुल, ताकि वो जबरदस्त, ओ हो, और ये सब ये हर्ब्स हैं हमारे, ये बहुत फायदेमंद। अभी रुक जाए, प्याज जरा सा, लहसुन जरा सा, ये हरी मिर्ची चॉप कर लें, ये नहीं चॉप, ओके, साबुत, अच्छा जरा साइड पर कर दें, इससे पहले कि ये फुदक फुदक के बाहर जा रही है और बहुत ब्राउन हो गई, डाल दे, ये देखें, नहीं 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 कुछ नहीं, जी, मेथी दाना लाएं, जल्दी 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 शाबाश, इससे क्या हमने बहुत तेज हो गया है। और दो सिस्टर अल्लाह खैर करे, हाँ बस अच्छा ही है, कम कर दे प्लेट, चावल डाल दे, ये नहीं पानी डालेंगे या पहले चावल, पानी डाल के चावल, हाँ चावल डाल दे, ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गई नाइदा जी ने, दोनों ने मिलके बना दिया आज हम लोगों ने, हकीम साहब की डिश, और भाई पहली बार मेथी दाना की खिचड़ी हो रही है, हमेशा सर्दियों में हकीम साहब ये बहुत बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा गर्म होता है, क्या मैं सही जबरदस्त, पानी भी डालेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल डलेगा, और ये सभी डाल देंगे हम ब्रेक के साथ जी नाज़रीन, जब तक हम लोग इसको थोड़ा सा मिक्स कर